First, talk about your first break in acting in the television industry. This is my first break. ये मेरी life है. और इसके पहले मैं as a celebrity आई थी विपुल जी के show में, विपुल जी शाह, जिसमें किसमें कितना है दम और खुलजा सिंह शामिल हैं. और बस वहाँ पर तो as a celebrity गए थे, but ये मेरा first break है. आपकी preparations क्या थे ये role के लिए? जब उन्होंने मुझे साइन किया था तब मेरा लुक कुछ अलग ही था और उन्हें कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉन ग्लैमरस लड़की चाहिए थी. एंड उसके लिए उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था. इनफैक्ट उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को जब साइन किया था तो हम सबको ट्रेनिंग के लिए 2 महीने दिए थे. और 2 महीने से हम लोग सिर्फ मैं पूजा मेहता के नाम से जीती थी, उठती थी, बैठती थी, सोती थी. तो आई हैड हाईलाइट्स इन माई हेयर, तो वो भी उन्होंने चेंज करा दी एंड दे मेड इट ब्लैक एंड दे मेड मी लुक लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली गर्ल. और उसके लिए हमने 2 महीने तक काफ़ी प्रैक्टिस की. रोज़ हमारी क्लासेस होती थी जहाँ हम सीन्स वगैरह सब रोज़ करते थे, जस्ट सो दैट सारे लोग कैरेक्टर में एक बार घुस जाएँ तो अच्छा रहेगा. हाउ सिमिलर आर यू टू पूजी इन रियल लाइफ? वेरी मच. I can say that I can play this character so naturally only because I am like Pooja Mehta in my real life. Okay, and which part do you like the most about Pooja Mehta? I think her honesty, उसकी जो सच्चाई है और उसकी जीवन के प्रति जो जीने की जो चाह है, कुछ बनने की जो चाह है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और वो मुझ में भी है और वो आज की हर लड़की, हर यंग लड़की में मैंने देखी है. और उसका प्यार है अपने दोस्तों के प्रति, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे भी है. तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. पूजा के किरदार में आप क्या चेंज करना चाहेंगे? कुछ नहीं, नथिंग. आई थिंक दे हैव मेड इट प्रीटी वेल एंड इतना अच्छा बना है तभी लोगों ने इसको इतना पसंद किया है. बाकी खामियाँ तो सभी के कैरेक्टर्स में होती हैं, बट आई डोंट नो, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस कैरेक्टर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. रियल लाइफ में लोग जब आपको पूजा के नाम से पहचानते हैं तो आपको अच्छा लगता है या फिर यू फील डिफरेंट? बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे कॉल मी पूजी एंड स्पेशली किड्स दे कॉल मी पूजी पाजी. सो इट्स काइंड ऑफ यू रिलेट टू देम. बहुत ऐसा लगता है जैसे पूजा दीदी बुलाते हैं तो ऐसा लगता है आप उनकी दीदी हो और बहुत अपनापन सा लगता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग पूजा के नाम से बुलाते हैं. आप फ्यूचर में ऐसा कौन सा रोल करना चाहेंगी जो आपने अब तक नहीं किया? अभी तो मुझे बहुत सारे रोल करने हैं. अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है अपना करियर तो पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो एक से डिफरेंट हो और मैं एक ही तरह के रोल ना निभाऊँ. मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने टैलेंट का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकूँ और कुछ अच्छे रोल्स करूँ जिससे कि लोग मुझे याद रखें और जिससे कि लोग कहें कि हाँ मुझे इसके जैसा रोल करना है. आप रोल में कितना हेल्प करती है कॉस्ट्यूम्स, डिज़ाइन, ज्वेलरी के लिए? वेल, वी हैव वेरी गुड डिज़ाइनर्स, वी हैव वेरी गुड क्रिएटिव हु आर माइंड ब्लोइंग एंड समटाइम्स मतलब ऐसा कभी होता है कि आई थिंक ये जो काम हम कर रहे हैं वो पूरा टीम वर्क है और सभी की सजेशंस काम आती हैं. कभी मैं कुछ बता देती हूँ, कभी हमारे डायरेक्टर बता देते हैं. तो आई थिंक सभी की सजेशन से मिलके ही एक चीज़ बहुत अच्छी बनती है. और मेरा कैरेक्टर अगर इतना अच्छा निकला है या मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय यूनिट. आपकी फेवरेट टीवी सीरियल का नाम बताइए. आई लाइक वॉचिंग ये मेरी लाइफ है एक्सेप्ट ये मेरी लाइफ है. आई ऑल्सो लाइक जस्सी. जस्सी इज़ वेरी नाइस. देन आई यूज़ टू लाइक कहीं तो होगा अलिया, बट ना अभी तो देखने का वक्त ही नहीं मिलता है. ये मेरी लाइफ है, दिख जाए वही बहुत है. आपका फेवरेट टीवी एक्टर? फेवरेट टीवी एक्टर, आई लाइक द गाय हु प्लेज इन कहानी घर घर की. आई डोंट नो हिज रियल नेम, आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली लाइक हिम. एंड फेवरेट एक्ट्रेस इज स्मृति ईरानी, आई रियली लाइक हर. इफ यू वर गिवन अ चांस टू चेंज प्लेसेस, ट्रेड प्लेसेस विद सम अदर रोल, व्हिच वन वुड दैट बी? If I would given a chance to trade your place with some other role in any other serial, absolutely. Which one would that be? I think Tulsi. At this stage? At this stage, no. I mean, I'm just talking in general. If I was,
At this stage, I think this is the perfect role I'm doing. According to my age, according to my experience, I think this is the perfect role, and I hope, and I'm working towards it that कि ये रोल भी एक दिन लोगों का रोल मॉडल बने और लोगों को लगे कि हमें पूजा मेहता बनना है. आपके कोस्टार से बारे में थोड़ा बताइए. मेरी कोस्टार सब बहुत अच्छे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. इतने कोऑपरेटिव हैं और मतलब एक अच्छे इंसान हैं सारे लोग. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा इंसान होना, जो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं. और पूरी यूनिट अच्छा होना बहुत ही मुश्किल होता है. और हमारे यहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये एक बहुत अच्छी बात है कि आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी यूनिट मिली. हमारे प्रोड्यूसर से लेके हमारे डायरेक्टर, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे सारे क्वार्टर्स आर वेरी वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. एंड उससे बहुत काम करना बहुत ईजी हो जाता है सेट पर, बिकॉज आप रोज़ रोज़ यहाँ आ रहे हैं. आप सुबह से शाम तक शूटिंग करें, कभी 24 घंटे शूटिंग करें, कभी 16 घंटे शूटिंग करें, तो आपको ज़रूरत पड़ती है अच्छे एटमोसफेयर की. टॉक वन बाय वन अबाउट एवरीवन. फर्स्ट अमित. अबाउट अमित, अमित इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी डिसेंट किड. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट वन ऑन आवर सेट एंड ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आई लव टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल रीडिंग एंड ही वेरी हार्ड वर्किंग. ही इज़ यू नो ही नोज कि उसको क्या आता है और क्या नहीं और उसको किस पे काम करना है. और अगर आप कोई भी सजेशन उससे देंगे तो ही नेवर गेट इरिटेटेड. ही ऑलवेज टेक इट वेरी पॉजिटिवली और बहुत अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. एंड आई हैव सीन द चेंज सिंस द डे ही वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर ये मेरी लाइफ है. और आज दिस सच अ बिग डिफरेंस इन अमित एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम. ही इज़ वेरी वेरी गुड एंड इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ट्रू, यू नो, वेरी. He will never say anything which will hurt anybody and he is very caring and he's like, no, no, मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा. He's very decent and he respect everybody, he respect my parents, he respect everybody like on the set and every, all the oldies especially, they really love him. Okay, Muskan. Muskan is a very cute girl. She's very naughty. अच्छा, बहुत शरारती है, बहुत क्यूट है और बहुत ही बच्ची है अभी. छोटी सी है तो शी इज़ द यंगेस्ट आई थिंक, वो सबसे छोटी हमारे में. और बहुत मस्ती करते हैं हम लोग दोनों. तनाज जयश्री बोल. तनाज, या शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. आई रियली लाइक हर. मेरी वो, शी इज़ वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस एंड उनके जितनी, वो इतनी स्मार्ट है और इतनी, मतलब कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस है, कि एक सीन में जो आप नॉर्मल सा सीन लिख के देते हो उसे चटपटा बनाने में यू कर देंगे. लाइक शी इज़ सो फास्ट, जस्ट रीड इट, ओके ओके ओके. एंड उनके अपने इनपुट्स इतने होते हैं कि व्हेन आई सी हर, इट्स रियली ग्रेट वॉचिंग हर. एंड शी इज़ सच अ ग्रेट फन टू बी विद. शूटिंग पे आएंगी, सबको हंसाएंगी, सबके साथ बहुत मस्ती करती हैं, बहुत बातें करती हैं. एंड You know, she'll make faces, she'll behave like a joker. She's very funny. She's very sweet. She's a sweetheart. Okay. Vandana? Vandana ji again is very sweet. She is, she gives me a very motherly feeling and she's, you know, हमारे अंदर एक अजीब सी केमिस्ट्री है कि आई थिंक वो इसलिए आती है बिकॉज हम ऑफ स्क्रीन भी उतना प्यार करते हैं एक दूसरे से और ऑन स्क्रीन वो इतना ईजिली हम गले वले मिलते हैं. तो इट लुक्स लाइक कि मैं उनकी डॉटर और वो मेरी मदर हैं. एंड She's also a very good lady, very very nice lady, very cooperative. और कभी मुझे लगा नहीं कि she's very big TV star और ये उन्होंने इतना काम किया है. एंड शी इज़ सो फेमस, शी इज़ ऑलवेज बीन सो स्वीट एंड वेरी डाउन टू अर्थ. बहुत प्यारी हैं. लास्टली मनोज भाई. मनोज जी अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर. आई एम रियली फाउंड ऑफ हिज एक्टिंग एंड ही इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. समटाइम्स ही विल कम एंड मेक यू लाफ, लाइक यू नो, ही विल डू सम. एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे. और कभी भी वो ना, कभी भी सीरियस शॉट में इतना हंसा देंगे और पता भी नहीं चलेगा हम लोग को. और मतलब जब रोने का सीन होगा तो वो खुद रियल में रोते हैं. ही इज़ वेरी वेरी गुड एक्टर. आई रियली लाइक हिम. माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट यू हैड ऑन द सेट्स? नन एक्चुअली. आई थिंक आई एम्बैरेस पीपल. आई एम सो नॉटी, आई कीप हैरेसिंग पीपल. बट आई नो कि इस शो में सब मेरे लिए अच्छा ही बोलेंगे बिकॉज सब अच्छा अच्छा ही बोलते रहते हैं. बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी वेरी नॉटी.
एंड मैं बहुत सताती हूँ सबको, बट सब इतने प्यारे हैं, मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सब मेरी हर बात को सह लेते हैं खुशी खुशी, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. थैंक यू.